स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर मिस्टर विष्णु हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज प्रोडक्शन में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिटरी मेथड, जिसमें बेटा हम आपके लिए दो वीडियो लेके आएंगे, यूनिटरी मेथड पार्ट वन और यूनिटरी मेथड पार्ट टू, जिसमें हम अप्लाई करेंगे पार्ट वन में मल्टीप्लीकेशन और पार्ट टू में हम अप्लाई करेंगे डिविजन। तो अब हम आते हैं हमारे पार्ट वन। ये जो आपके लिए टॉपिक है क्लास फोर टू फोर सिक्स के लिए रहेंगे, जो बच्चे प्राइमरी से मिडिल सेक्शन में आते हैं उनके लिए। ओके, तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी यूनिटरी मेथड फर्स्ट में टाइप वन में क्वेश्चन है, द मास ऑफ ए ब्रिक इज 2 kg 750 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ सच 14 ब्रिक्स। यानी सबसे पहले बेटा आपको, आपके पास हाउ मेनी टर्म्स इन दिस स्टेटमेंट, कितनी टर्म है, तो देर आर टू टर्म, नंबर वन ब्रिक एंड नंबर टू केजी, वेट ऑफ द ब्रिक, यस वेट ऑफ द ब्रिक। तो ये जो आपके पास पहली टर्म ब्रिक है और दूसरी टर्म आपके पास वेट है, तो इसमें से ये बताओ आपको फाइंड क्या करना है। जैसे पहली रीड की, द मास ऑफ ए ब्रिक इज 2 kg 750 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ 14 सच ब्रिक, यानी जो आपको फाइंड करना है वो आपको वेट निकालना है, ब्रिक नहीं निकालनी, क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे स्टेटमेंट यही हो जाती है कि जो आपको फाइंड करना है वो आपकी स्टेटमेंट के राइट हैंड साइड में आएगा। तो क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है वेट। आगे समझ में, तो ये हमारी स्टेटमेंट हो जाती है मास ऑफ ए ब्रिक इज क्या है, 2 kg 750 ग्राम, 2 kg 750 ग्राम। आगे समझ में, कि जो आपको फाइंड करना है वो आपका राइट साइड में होना चाहिए। अब आपको करना है मास ऑफ, यहां पे ए था यानी वन था, कितनी ब्रिक्स का निकालना आपको, 14 ब्रिक्स का, 14 ब्रिक्स, क्या होगा ज्यादा, क्योंकि हम सिंगल से ज्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स क्या आएगा, ये आएगा आपका 2 kg 750 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 14। आगे समझ में, तो हम क्या करते हैं 14 की टेबल रीड करते हैं, 14 या तो 1-1 करके भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, 14 0 14 14 5 जा 70, अगेन 0, 14 7 जा 98 98 एंड 7, ये हो जाएगा 105, क्या आएगा 5 आएगा, कैरी क्या जाएगी 10 जाएगी, 14 2 जा 28 एंड 28 एंड 10, ये आएगा 38। तो ये वेट हो जाएगा आपके पास 38 kg एंड 500 ग्राम। दोबारा फिर से रीड कर लेते हैं, ये कहता है द मास ऑफ ए ब्रिक इज 2 kg 750 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ सच टाइप ऑफ 14 ब्रिक्स, कि इस प्रकार की 14 ब्रिक्स का जो मास है, जो वेट है, वो कितना होगा। तो ये आपके पास वाइंड करना है आपको वेट, तो वेट कहां जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड में, ठीक है। स्टार्टिंग मास ऑफ वन ब्रिक इज 2 kg 750 ग्राम, ज्यादा का निकालना है 14 ब्रिक्स का, तो ज्यादा ज्यादा के लिए क्या आएगा मल्टीप्लाई, आपको यदि टेबल अच्छे से लर्न है तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप 1 by 1 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट में आपको यूनिट लगानी है, व्हाट इज द यूनिट, यूनिट यहाँ पे क्या है केजी। आगे समझ में, यदि इसको डेसिमल में राइट करते हो 38500, तो 100 से 1000 से क्या करेंगे हम डिवाइड, यानी 38.500 क्या लिखे इसको केजी, अलग अलग राइट करते हो तो ये केजी का पार्ट और ये आपका ग्राम का पार्ट रहेगा।
तो आपने सीखा कि सबसे पहले स्टेटमेंट में आपको फाइंड करना है टर्म वन एंड टर्म टू, फिर आपको अप्लाई करना है उस टर्म जिसे हमें फाइंड करना है, वो आपके राइट हैंड साइड में जाएगी, फिर आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड। ओके।